पांच अलग लैंग्वेज में ये तो लग रहा प्रपोज़ किया ना कभी किसी को पांच अलग लैंग्वेज में सो क्या करें यार सो देखो आई लव यू है मुझे तुमसे प्रेम कर दो मुझे तुमसे प्यार है अमित तुम्हारे बालोबाशी एंड गुजराती मने तू आवड़े छे सुजातना वो जो प्रेम की 18 जून से 8 बजे एन टी वी पर आ रहा है और ये कहानी है बादल और सुमन की. बादल एक बहुत ही लोएस्ट क्लास से बिलोंग करता है सोसाइटी के एंड सुमन एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है. बताओ सुमन क्या करती है कैसी है. तो मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ. तो सुमन पांडे काफ़ी बोल्ड कॉन्फिडेंट और चुलबुली लड़की है जो जिसके डैड काफ़ी पावरफुल इंसान है उस पर्टिकुलर एरिया के. तो वो काफ़ी कास्टिज्म में बिलीव करते हैं पर जो सुमन है वो कम्प्लीटली अपोजिट है बिकॉज उसको फ़र्क नहीं पड़ता कास्टिज्म ये सब में बिलीव नहीं करती वो. इसलिए उसको बादल से प्यार भी हो जाता है और वो समाज से लड़ने को भी रेडी है अपने प्यार के लिए क्योंकि वो भागना नहीं चाहती अपने परिवार से उतना ही प्यार करती जितना वो बादल से प्यार करती है. तो उसे अपने समाज में रहना है अपने परिवार में अपने परिवार के साथ रहना है उसको प्यार में जीना है उसको प्यार में मरना नहीं है. तो इसलिए वो घर से भागेगी नहीं और वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो समाज की सोच को बदलने के लिए भी रेडी है. So I'll tell you about Badal. So Badal is very independent kind of a boy and in spite of being from the lower class of the family, उसकी सोच यही है कि अगर अगर तुम्हें अपने आप के लिए इज्जत कमानी है इस समाज में तो आपको उसके काबिल बनाना चाहिए और इतने काबिल बनो कि लोग तुम्हारी जात को ना देखते हो तुम्हारी काबिलियत को देखें. सो आई थिंक यही कहानी है और फिर जब इन दोनों को प्यार होगा तो क्या गड़बड़ होगी. ट्रस्ट मी एज आई सेड फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज द कैरेक्टर दैट ग्रैब मी इन द शो बिकॉज आई हैव नेवर प्लेड समथिंग लाइक दिस एंड इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी ऑल्सो. उसके बाद में ओवरऑल जो स्क्रिप्ट है बादल और सुमन की कहानी है उनकी स्ट्रगल की कहानी उनके प्यार की कहानी है. सो एज अ एक्टर आई थिंक बहुत सारा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन का स्कोप है शो में एंड हाँ सो आई थिंक ये दो कारण थे. मेरा तो डेब्यू है और जब मुझे इस स्टोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला था मैं तो बहुत खुश हुई थी बिकॉज पर्सनली मुझे सैराट फिल्म बहुत पसंद आई थी. तो जब बोला था कि इस मूवी का अडेप्टेशन होने वाला है अबाउट ऑनर किलिंग तो मैं बहुत खुश हुई थी बिकॉज मुझे कुछ ऐसा ही करना था कि जिसे लोग देखें और जो स्टीरियोटाइप ना हो मतलब नॉट अ क्लीशे लव स्टोरी बट दिस इज समथिंग डिफरेंट. तो मुझे उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया. अरे विलन मत बोलो पापा इसके सुरजी है मेरे विलन मत बोलो उनको क्या होने वाला है. अरे खौफ तो बहुत ज़बरदस्त होगा बट आई थिंक इसके पापा है और पापा ने बचपन से बहुत प्यार किया है इसको लाड़ प्यार से रखा है मतलब जो कुछ भी चीज़ मांग ले आई थिंक पापा ने इसको दिया है. तो आई थिंक इसके लिए तो डेफिनेटली वो खौफ नहीं है बट खौफ सिर्फ इस बात का है कि दोनों अलग हो जाएंगे. सो दोनों का अलग होने का खौफ है. आई थिंक प्रेशर एक्चुअली नहीं है बिल्कुल नहीं है टू बी फ्रैंक एंड बहुत ही बढ़िया छाप छोड़ के गई है वो फिल्म. तो आई थिंक हम भी कामना करते हैं कि हमारा ये शो टीवी में बहुत ही बढ़िया सा छाप छोड़ कर जाए और आपके दिलों में भी. फैंस को मैं ये कहूँगा कि 18 जून से हमारा शो आ रहा है एन टीवी पर 8 बजे. तो मंडे टू फ्राइडे आप देखना मत भूलिए और बहुत सारा प्यार दीजिए.